बेटी बचाओ अभियान बड़ा जल्दी चलाया, लेकिन अस भी कुछ मां दी बच्चियां, अस भी मां दी बच्चियां, अस भी कुछ दी बेटियां ने जिहड़ी अज अस रोड पर खजल होण लगियां ने, सरकार ने नहीं सोचा। गल करां ते अज जिहड़ा है ओह हर एक जिहड़ा डेली वेजर है ओह परेशान है, लेकिन सरकार ने सरकार की एक मंशा ही कि ग्रास रूट पर जेड़ा है एक आशा वर्कर रखी जा जेड़ा उस ग्रां की जेड़ी कोई समस्या या कोई प्रसव कराना होया या कोई और जेड़ियां डिलीवरियां होन उंदी गल करनी है, उन्हें लेइए जाना, उसका ख्याल रखना, उन्दे ताई आशा वर्कर लैंदी है। लेकिन जो दिन जिया गया समय बीतता गया आशा वर्कर की जेड़ा है वह और जिम्मेवारियां जेड़ियां ने सौंपीती गई, ऑनलाइन करने से आखा करते जिसल इनकी लाया गया हा उसने 2000 रुपया मात्र सैलरी ही, लेकिन उसके बाद जिसने लाया गया हा उसने मात्र जी 600 रुपया सैलरी आखा कर दे, लेकिन समय इन्नी तेजी के बदया और महंगाई इन्नी ज्यादा हुई, लेकिन इनकी तनखाह जी है वह नहीं बधी सकी है। प्रधानमंत्री मोदी होने भी आशा वर्कर का नाम लिया कि आशा वर्कर जी है बड़ी ग्रास रूट जो काम बड़ा अच्छा करा करती है, लेकिन इन सैलरी जी ही कुन बधानी ही। अज इे समस्या की लेकर जोड़ा है हीरानगर तहसील कार्यालय जी आशा वर्कर सारिया पुजी दी, उन्हें आखना कि ऑनलाइन करने सू आखा करते हैं, लेकिन सारे को मोबाइल नहीं है, सारा रीचार्ज नहीं है। अगर इन्हें सरकार ने अपना ऑनलाइन काम कराना तो सरकार कहनी इन्हें कि मोबाइल का रीचार्ज दिया कर दी, तनखाह जी है वह है ही कि नहीं है, और सारे पर जोड़ा है वह हमेशा जोड़ा है वह डंडा चलता रहा कि काम करो काम करो, लेकिन अच्छे सारे कन्ने ने उन्हें कन्ने के गल करने उन्हें मुँह के सुनने कि परेशानी होनी झेलने पवा दी, अज तुम इतने आए हो ऑनलाइन का भी और ऐसे सर्वे का भी जो भी काम हो ना हॉस्पिटल का तो आशा वर्कर को दिया जाता है, लेकिन उसका हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमें 2000 का इंसेंटिव देते हैं, वो 8 काम का मिलता है हमें, एक्स्ट्रा काम का कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है आशा वर्कर की, तो आशा वर्कर को क्या दिया जाता है, और जो पिछले पहले कोविड-19 हुआ तो अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट होता ना तो उसका जो पल्स वगैरह चेक करते हैं तो आशा वर्कर को दी जाती है चेक करने, साथ में जो जाते हैं वर्कर उनके मेडिकल के वो नहीं चेक करते थे, आशा वर्कर चेक करते थे, बल्कि उनके उन्होंने अपने मुलाजिम को इसलिए नहीं चेक करने के लिए लगाया क्योंकि अगर मुलाजिम का कुछ हो जाता तो उनका देखभाल उनको करनी पड़ती। आशा वर्कर क्या है, आशा वर्कर का किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है, अगर मर भी जाती तो उसको क्या, उसको कुछ नहीं देना है, इसलिए उन्होंने आशा वर्कर को ही काम दिया था। तो आज हमको ऑनलाइन का भी काम दे दिया है, लेकिन ऑनलाइन का काम हम कैसे करें, 2000 में हमने पहले फोन खरीदे हैं वो भी किसी से उधार लेकर, तो अनसपाट हमको बोला गया कि अभी खरीदो अभी खरीदो, जो गरीब बंदा होता ना उनको पता होता कि मैं कैसे टाइम पास करी हूँ। 2000 जी फोन भी नहीं आता, नहीं फोन आता है, दो एक सिलेंडर लेना होता 2000 रुपया खत्म हो जाता है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारा इंसेंटिव जो है पे लगाई जाए, हमको इंसेंटिव नहीं चाहिए, अगर हमारे से एक्स्ट्रा काम लेना है कि डिप्टी वगैरह जहाँ लगानी है तो उसका हमको भी इंसेंटिव दी जाए। नहीं तो तुम जो आखा कर दियो कि मोबाइल नहीं है, सरकार मोबाइल भी दिया, रीचार्ज भी दिया। हाँ जी हाँ जी रीचार्ज भी दिया, अभी हम 2000 में हमने उनका रीचार्ज भी कराना है, तो फिर ऑनलाइन काम भी करना, अगर हम किसी को लगाए, माना कि मेरे को नहीं आता, हम किसी को लगाएंगे, कोई ऐसे काम करता है उसको भी देना पड़ता है कुछ ना कुछ पैसे देने। हाँ तो 2000 में हम क्या देंगे उसको, अगर आने वाले समय से अगर सरकार थोड़ी गल नहीं मानती तो किस तरीके की थोड़ी अगर गतिविधि रोनी है, फिर हम यही सोचेंगे कि हम काम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे हम तो हड़ताल वगैरह जारी रहेंगी। तो दिखा करते हैं कि आशा वर्कर जेड़ियां ने वो बड़े मायूस हुई है और दुखी मन करने ये गलाह कर दिया कि सरकार ने जरा साढ़े पर बोझ जरा है वो मता पाईता, लेकिन तनखाह जी है वो नहीं है, 2000 रुपये कन्नै जरा है वो के बनता है, अगर साढ़े कोला और काम लेने तो वह जड़िया है सानू और इंसेंटिव जोड़ा है वो मिलना चाहिए है, जा सानू जोड़ा है इंसेंटिव नहीं देन साड़ी जी है वह तनखा बधाई जा, सानू पक्का भी किया जा ये कन्नै गै, और ये कन्नै जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने कि सौंपी दियां ने मोबाइल जा ऑनलाइन करो, तो यह मोबाइल जोड़ा है
ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਚਾਰਜ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਠੂਆ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁੜੀਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। सिर्फ एक दो जिम्मेवारी दी दी हां जिम्मेवारियां भी घट हियां उसले सानू दित्ता है कि सिर्फ जच्चा बच्चा दी देखभाल करनी उसले 2005 ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇ ਮਤ ਪੁੱਛੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਹੈ। 2000 ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ, ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ 2000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 2000 ਕਨੇ ਘਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਲਿਆਓ? ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਾਓ, ਫੋਨ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਓ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟਾ 1 ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੋ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਵੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਾ ਅਲਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ 26,000 ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਖੜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। थैंक्स भैया जी। सर देखिए, आज हमारी बहनों का जो डेपुटेशन है वो मिला है SDM साहिबा से और एक लिखित रूप में विज्ञापन इन्होंने दिया है अपनी डिमांड्स का। आप जैसे देखते हो कि सरकार की जितनी भी स्कीम आती है, भले श्रेय कोई ले, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर लें, सेक्रेटरी लें, DC साहब लें, गवर्नर साहब लें, या हेल्थ मिनिस्टर लें, या कोई भी ले, लेकिन उस स्कीम को लोगों तक, या यूं कह सकता हूं कि जरूरतमंद तक पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनका ध्यान रखा जाए। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ 2000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर इनको दिया जाता है, जो कि इस महंगाई की दिनों में बिल्कुल नाकाफी है और ये जस्टिस नहीं है। इनकी जो यूनियन है जम्मू कश्मीर आशा वर्कर की, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हीरानगर ब्लॉक की जो आशा बहनें हैं हमारी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि हमारा जो इंसेंटिव हमें नहीं चाहिए, हमें पे चाहिए। जो एक मुलाजिम को जो फैसिलिटी होती है, चाहे छुट्टी की फैसिलिटी होगी, लीव की होगी, मेडिकल लीव का दूसरा तीसरा, वो सारी फैसिलिटी इनको चाहिए। और उसके साथ ही 26,000 महनामा जो है वो पे के रूप में चाहिए, इंसेंटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि जितनी भी स्कीम है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात आती है, यहां तक कि वोटर कार्ड तक बांटने को इनको लगा दिया जाता है, और कोई ऐसी स्कीम नहीं है। PMWY की स्कीम है, एक कपल की जब मैरिज होती है और टिल उसके जब बच्चे होते हैं तब तक इनका जो साथ है वो हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाता है। इतना वर्क लोड है, कोई हिसाब नहीं। सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से ना तो इनको कोई फोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ना जो इंटरनेट के चार्जेस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ना कुछ अन्य सुविधा जो इनको चाहिए वो प्रोवाइड की जाती है। किराया खर्च करते हैं अपने आप से सिर्फ 2000 रुपए में। इतने में तो फोटोस्टेट के चार्जेज इनके बन जाते हैं, इतने इनके पास फार्म होते हैं, 2000 तो इनका फोटोस्टेट का चार्जेज लग जाता है, तो इनको क्या बचता है बेचारियों को।
दिन रात एक जो परिवार के साथ जो भी रजिस्ट्रेशन जिसकी होती है उसको जो रोज उसकी खबर जो है वो लेने जाती है, और कोई भी रिपोर्ट होती है वो हॉस्पिटल तक इनको पहुंचाना होती है। सरकार को रोज सबमिट करवाना पड़ती है ऑनलाइन रिपोर्ट। काम इतना, लेकिन आप हंसी आती है सुन के और तरस भी आता है कि इन दिनों में इतना काम करने वाला मुलाजिम 2000 से बनता क्या है। 2000 बिल्कुल कम है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होते तब तक हम काम छोड़ हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे और किसी भी प्रेशर के आगे झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी सेवा की सरकार की, बड़ी सेवा की डिपार्टमेंट की, बड़ी सेवा की लोगों की, लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं। 2000 वो ना के बराबर है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सरकार को इनकी जो जायज मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए और इनको इंसेंटिव के बजाय 26,000 पे देनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।